This is the 11th lecture for the course of estimation of signals and systems. So in the previous lectures in the previous lecture we had covered some of the basic estimation techniques. Today we are going to look into linear estimation and dynamic systems, which is specifically the Kalman filter. So and the first thing is it is going to be linear, and the second thing is we are going to talk about dynamic systems. So let's get started. So जो आपके पास डायनामिक एस्टिमेशन प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरह से है कि यू हैव दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम. ठीक है जी, ये आपके पास डायनामिक इक्वेशन है प्लांट की, एक्स ऑफ के प्लस वन इज इक्वल टू एफ के एक्स के प्लस जी के यू के प्लस वी के, वेयर एक्स के प्लस वन इज द स्टेट एट करंट टाइम और एक्स के इज द स्टेट एट सम प्रीवियस टाइम. ठीक है जी, एक्स एट के एंड एक्स एट के प्लस वन. Then x is your obviously straight vector. ठीक है जी, और you can see the dimensions here. We will do some practical do some simulations and problems. You will get a better idea about these things. Then uk is an unknown input vector. So हम जो आपके पास आगे जो एग्जांपल्स आएंगी जितनी भी, उनमें हम क्या कर रहे होंगे, उनमें हम ये देख रहे होंगे इक्वेशन ये थोड़ी सिंप्लीफाइड होगी. ठीक है, आपके पास ये जो इनपुट वाला पार्ट है ये उसमें नहीं होगा. दूसरी चीज इसमें ये है कि ये जो वी के है ये आपके पास प्लांट नॉइज, दिस इज अज्यूम टू बी वाइट गॉसियन, जीरो मीन वाइट गॉसियन नॉइज. ठीक है, और क्योंकि आपस में एडअप हो रहे हैं सो वी के की जो भी डायमेंशन होगी वो सेम एज योर स्टेट होगी. ठीक है, और ये जो वी के है इसकी प्रोसेस, ये जो प्रोसेस नॉइज है वी के, सो ये प्लांट नॉइज, इसकी जो कोवेरियंस होगी वो आपके पास इज गिवन बाय दिस इक्वेशन. ठीक है, जनरली क्यू से ही डिनोट की जाती है क्यू के, और आपके पास जो मेयरमेंट इक्वेशन होगी विच इज going to be represented by this thing. इस तरह की फॉर्म हमने पिछले चैप्टर के स्टार्ट में भी देखी थी जहां पे आपने h को एज अ नॉन लीनियर फंक्शन लिखा था ऑफ द स्टेट. इट लुक्ड समथिंग लाइक दिस, h ऑफ x. ठीक है, मैं सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट ओमिट कर रहा हूं यहां पे. सो h ऑफ x मींस के दिस इज अ नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ x जो आपकी मेयरमेंट इक्वेशन में, यहां पे आपके पास h के मल्टीप्लाई हो रहा है विद योर स्टेट. सो दिस मींस के ये जो आपके पास रिलेशन है दिस इज लीनियर. ठीक है, सो लीनियर सिस्टम्स की हम बात कर रहे हैं क्योंकि z इज योर मेयरमेंट एंड x इज योर स्टेट, h इज योर मेयरमेंट मैट्रिक्स, wk इज नोन एज द मेयरमेंट नॉइज और जनरली इट इज अज्यूम टू बी जीरो मीन वाइट गॉसियन नॉइज, और इसकी जो कोवेरियंस होगी वो आपके पास होगी हम डिनोट कर रहे होंगे आर से. ठीक है, सो दो इसमें नॉइज पैरामीटर्स दो होंगे, एक आपके पास वी के है, वी के जनरली प्लांट नॉइज है, यानी अगर आप प्लांट से कोई कन्वर्जन करते हैं कहीं पे या आपके प्लांट में जब आपकी जो भी जो एस्टिमेटर चल रहा है उसमें उसकी अपनी वजह से जो नॉइजेज आएंगी उस प्लांट की वजह से. ठीक है, या उस प्रॉब्लम में जो भी इनहेरेंट आपकी नॉन लिनियरिटीज की वजह से मैं भी कुछ चीजें आ जाएं, आगे ट्रैकिंग की प्रॉब्लम में हम देखेंगे कैसे ये चीज आती है. सो वी के वो नॉइज है और डब्ल्यू के आपके पास मेयरमेंट नॉइज है, दैट इज जो भी सेंसर आप यूज कर रहे हैं उसकी वजह से जो इश्यूज आ रहे हैं. ठीक है, तो सेंसर जब आपका मेयर करता है कोई लट से रडार तो उसमें डिफरेंट नॉइजेज में भी आप कह लें कि थर्मल नॉइज एंड सो ऑन. ठीक है, इस किस्म की बाकी जो इनएक्यूरेसीज हैं ये सारी मिलके आपकी मेयरमेंट नॉइज आती है, ये मेयरमेंट में आएंगी. वेयर एज आपके पास जो यहाँ पे हमने बात की प्लांट नॉइज की, ये इनहेरेंट है टू द प्लांट एंड मे वेरी फ्रॉम प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम इवन विद द सेम सेंसर. ठीक है जी, अंडरलाइंग जो भी प्रोसेस आपका कन्वर्जन का उस पे डिपेंड करेंगी. जो एफ जी एच और क्यू मैट्रिक्स और आर मैट्रिक्स है ये जनरली नोन होती है. ठीक है जी, जनरली नहीं, रेदर ये नोन होती है और
पॉसिबिली टाइम वेरियंग भी होती है, ठीक है। सो देन जो आपके पास इनिशियल स्टेट है इसमें एक्स नॉट ये अननोन होगी, ठीक है, और इसे मॉडल किया जाता है एज अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है, और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड हम कहते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूटेड सर्टेन नोन मीन और कोवेरियंस के साथ। सो इट डजंट मैटर आप अपना जो भी इनिशियलाइजेशन करते हैं उसमें सर्टेन कुछ रूल्स होते हैं, उसके बाद आप जहां से भी करेंगे एट द एंड इट इज गोइंग टू कन्वर्ज टू अस टू 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 नियर टू द वैल्यू, नियर टू द एक्चुअल वैल्यू, ठीक है जी। अच्छा, ये जो आपके पास नॉइजेज हैं वी के और डब्ल्यू के, ठीक है, ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। सो दीज आर इंडिपेंडेंट एंटिटी। सो जो आपके पास प्रोसेस नॉइज है ये कभी आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, गैमा इनटू वी के, गैमा इज अनोन मैट्रिक्स, ठीक है जी। और हम ये देखेंगे कि जनरली गैमा की बजाय, सो जनरली इन द केस ऑफ टारगेट ट्रैकिंग जो एग्जांपल्स हम करेंगे उसमें वी विल अज्यूम कि गैमा आपके पास रेदर प्रॉब्लम को ऐसा होगा कि गैमा आपके पास खास चीज रोल प्ले नहीं करेगा, बट समटाइम्स गैमा, ये जो गैमा के है ये आपके पास अनअवॉइडेबल होता, ठीक है, ड्यू टू सम वी विल सी हाउ दीज थिंग्स वर्क लेटर ऑन। सो देन इन दैट केस आपके पास जो प्रोसेस नॉइज कोवेरियंस हो जाएगी दैट इज गोइंग टू बी दिस थिंग रिप्रेजेंटेड बाय दिस थिंग, ठीक है जी। Just take it lightly, it's nothing that is like very difficult to understand. Simple सी चीज़ आगे हम जाके देखेंगे कैसा है। अच्छा, so जो आपके पास conditional mean होगा या जो भी आपके पास estimate, so इसकी इस केस में तीन चीजें हो सकती हैं। हमने लिखा है x hat, that means it's an estimate, ठीक है। So और इट कैन बी अ स्मूथ वैल्यू और इट कैन बी प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ द स्टेट, ठीक है, ये फिल्टर से गुजरने के बाद आपके पास है। सो इट इज इक्वल टू दिस कंडीशनल मीन, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ जे गिवन जी के, वेयर इज कैपिटल जी, हम पहले भी यूज कर रहे थे, ये नोटेशन यूज हो रही है फॉर ऑल द मेजरमेंट फ्रॉम टाइम वन और जीरो, व्हाटएवर यू से वन टू लेट्स से के, ठीक है, टाइम के। अब एक्स जे गिवन के वाला मामला क्या है, ये सिंपल है, जनरली हम यहाँ पे देखेंगे एस्टिमेशन प्रॉब्लम, ठीक है, बट स्मूदिंग और प्रेडिक्शन भी दे आर पार्ट ऑफ द, यू कैन डू स्मूदिंग एंड प्रेडिक्शन यूजिंग दिस एल्गोरिथम। सो जो आपके पास जे गिवन के है, अगर इफ जे इज इक्वल टू के देन ये आपके पास एस्टिमेशन होगी, ठीक है, इफ जे इज इक्वल टू के देन एक्स हैट इज गोइंग टू बी द एस्टिमेटेड वैल्यू या फिल्टर्ड वैल्यू, और इफ जे इज लेस देन के, ये जहां पे आप जिस जगह पे एस्टिमेट कर रहे हैं वो किसी प्रीवियस टाइम पे कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन आपके पास के टाइम तक है, लेकिन आप जो जे ले रहे हैं, आप जो एस्टिमेट कर रहे हैं वो किसी प्रीवियस टाइम पे है, सो दैट मींस यू आर डूइंग स्मूदिंग, ठीक है, ये जो आपके पास यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, सो इस केस में हम स्मूदिंग कर रहे हैं। और अगर जे इज ग्रेटर देन के द थर्ड केस, देन यू से आप prediction कर रहे हैं, ठीक है, x hat will be the predicted value in that case, in that case आपके पास k time k तक instant k तक information available होगी measurement and so on, whereas you are trying to predict the state at some point in the future, ठीक है j। अच्छा, आपके पास जो estimation error है, so the estimation error आपके पास define होती है कुछ इस तरह से, ठीक है। So, अगर हम सिर्फ एस्टिमेशन वाली चीज देखें तो आप यू कैन ओमिट दिस जे गिवन के एंड यू कैन जस्ट राइट के गिवन के और समथिंग लाइक दैट, ठीक है जी। सो डोंट गेट कंफ्यूज इनटू दिस, अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजिंग लगे तो लेट्स जस्ट अज्यूम कि दिस इज एक्स के गिवन के। सो एक्स टिल्डा इज इक्वल टू एक्स जे माइनस एक्स एस्टिमेटेड जे गिवन के, ठीक है जी, दिस इज योर एस्टिमेशन एरर। और देन डेफिनेटली जब आप एस्टिमेट कर रहे हैं इस चीज को, तो हमने क्रैमर राव लोअर बाउंड भी एक चीज की थी,
एक दो लेक्चर पहले, उसमें आपने देखा था क्रैमर ऑल ओवर बाउंड क्या था, एक बाउंड था आपकी वेरियंस पे। सो जो वेरियंस है वो ये वाली है, स्टेट वेरियंस, स्टेट कोवेरियंस, ठीक है। सो दिस इज द स्टेट कोवेरियंस। सो स्टेट कोवेरियंस इज गिवन बाय दिस थिंग, ठीक है, एक्स जे माइनस एक्स हैट, दिस इज एक्स हैट, दिस इज ऑल्सो एक्स हैट गिवन। सो दिस इज अ कंडीशनल मीन अगेन, एंड दिस कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ एस्टिमेशन एरर व्हिच इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है, दिस इज एक्स डेल्टा एंड एक्स डेल्टा अगेन ट्रांसपोज्ड एंड नॉन ट्रांसपोज्ड। ट्रांसपोज की फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं कि नाउ वी हैव वी आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर केस, जब आपके पास स्टेट्स मल्टीपल होंगी, ठीक है। प्रीवियसली हम जनरली पिछले चैप्टर में क्या कर रहे थे, वी वर राइटिंग एज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, ठीक है, जहां पे कहीं पे आपको वेरियंस की जरूरत होती थी, यू जस्ट डिड एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर और समथिंग। यहां पे आप क्या कर रहे हैं, यहां पे आप एक्स इनटू एक्स ट्रांसपोज यूज कर रहे हैं। सो सिंपली द स्टेट वेक्टर नाउ कंटेन्स मोर देन वन पैरामीटर टू बी एस्टिमेटेड। सो जनरली जो आपके पास स्मूथ स्टेट होती है एक्स हैट, अगर स्मूदिंग कर रहे हैं आप, इसे हम रिट्रोडिक्टेड स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। रिट्रोडिक्शन इज द ऑपोजिट ऑफ प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन में आप फ्यूचर में जा रहे होते हैं, रिट्रोडिक्शन में आप पास्ट में जा रहे होते हैं, ठीक है जी। सो देयर वन एंड द सेम थिंग, स्मूदिंग एंड रिट्रोडिक्शन। रिट्रोडिक्शन ज्यादा एक आप कह लें कि प्रॉपर टर्म है, बट जनरली जो आप देखेंगे टेक्स्ट में चीज यूज हुई, दैट इज स्मूदिंग, ठीक है। सो रिट्रोडिक्शन ऑल्दो इज अ मोर प्रॉपर वर्ड। अच्छा, जो आपके पास स्टेट कोवेरियंस है, ठीक है, गिवन बाय दिस इक्वेशन, इट इज द सेम एज दैट ऑफ कोवेरियंस ऑफ द एस्टिमेशन एरर, ठीक है। दैट मींस ये अभी आपके पास एस्टिमेशन एरर की कोवेरियंस और ये स्टेट की, ये हमने पहले ही देख लिया कि ये बराबर है एक दूसरे के, बाय यू कैन सी इट बाय दिस वन, ठीक है, ये यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो आपका जो एस्टिमेशन एल्गोरिथम है, सो जनरली कुछ इनिशियल चीज है यहाँ पे, अब देखें जो स्टार्ट पे जब आपका एस्टिमेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो वहां पे जो भी स्ट्रेट होगी और जो भी कोवेरियंस होगी वो आपको अज्यूम करनी पड़ेगी, और हम अज्यूम करेंगे कि वो नोन है। ये आपके पास मेजरमेंट होगी एट टाइम जब आप का फिल्टर स्टार्ट होगा, आगे जाके हम जब फिल्टर की इक्वेशन देखेंगे, आप देखेंगे कि उसमें हमें एक क्वांटिटी x0 गिवन 0 चाहिए होगी और p0 गिवन 0 चाहिए होगी, इनिशियल स्टेट कोवेरियंस और इनिशियल जो भी स्टेट एस्टीमेट है वो। सो जो आपके पास इनिशियल इंफॉर्मेशन है, ये जनरली एक सर्टेन आप कह लें प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, और यू कैन simply assume them to be some generally आप assumption एक करते हैं और set कर लेते हैं initial parameters को, और ये initial parameters आपके actually बहुत ज़्यादा करीब भी ना हो, फिर भी ये converge कर जाएंगे near the actual value। अगर आपका जो ये initial guess है, in the case of initial estimate and initial covariance, ये अगर बहुत दूर है actual चीज़ से, तो फिर क्या होगा, फिल्टर थोड़ा कन्वर्ज करने में टाइम लगा लेगा, अदरवाइज फिल्टर जल्दी कन्वर्ज हो जाएगा, ठीक है। सो इन एनी केस जनरली द फिल्टर विल कन्वर्ज, ठीक है जी। अच्छा, सो आपके पास जो इस डायनामिक एस्टिमेशन एल्गोरिथम का एक साइकिल है कालमान फिल्टर का, ठीक है, ये एक्चुअली है क्या, दिस इज एक्चुअली मैपिंग द एस्टिमेट, ठीक है, ये अब एस्टिमेट आ गया एक्स एट के गिवन के, वो स्मूदिंग प्रेडिक्शन वाली बात हम नहीं करेंगे अब। So it is the expectation, conditional expectation, expected value xk given all the measurements zk, ठीक है जी, where k is the current time, ठीक है जी। अच्छा, अब एक तो आपके पास ये होगी स्टेट, एस्टिमेटेड स्टेट, दूसरी इसके साथ जो रिलेटेड चीज होगी दैट इज गोइंग टू बी एस्टिमेटेड कोवेरियंस, स्टेट कोवेरियंस, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, ये आपको शायद क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा, ये इक्वल का साइन है यहाँ पे। सो पी के गिवन के इज इक्वल टू दिस थिंग जो हमने थोड़ी देर पहले अभी कवर किया, और इन दोनों चीजों को आप मैप कर रहे होते हैं अगले स्टेज पे, अगले टाइम पे, ठीक है,
इन दोनों चीजों को आप यूज कर रहे होते हैं टू यू नो फाइंड आउट इन दोनों चीजों का मैप कर रहे होते हैं, ठीक है, टू फाइंड आउट दीज थिंग्स, दिस एंड दिस, ठीक है. सो लट से अभी आपके पास टाइम थ्री पे आप सैंपल, लट से थर्ड सैंपल आप पे आप काम कर रहे हैं. थर्ड सैंपल के जो एस्टिमेट और एस्टिमेटेड कोवेरियंस और स्टेट होंगे उन्हें आप देन अगले स्टेज में यूज करेंगे एज योर प्रायर, ठीक है जी. सो एक्स के प्लस वन गिवन के प्लस वन विल बी द एस्टिमेट एट द नेक्स्ट जो भी आपके पास टाइम है, और पी के प्लस वन गिवन के प्लस वन इज द सेम द कोवेरियंस फॉर द सेम स्टेट. सो वी विल बी यूजिंग, सो इट्स गोइंग टू बी काइंड ऑफ अ साइकिल, ठीक है. आप ओके, लेट मी रीड ऑल दिस थिंग. It's going to be something like this. It's going to be a cycle जिसमें आप के पास स्टेट होगी, ठीक है, x x and p, ठीक है, और यहाँ पे भी x and p, ठीक है. So let's say यहाँ पे time वन है, x1 given 1, p1 given 1. So you will use them to generate x2 given 2 and p2 given 2. And then ये cycle चलेगा अगले stage पे. आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, x3 given 3 and p3 given 3 and so on, ठीक है जी. So ये चीज इस तरह चलेगी, आपका algorithm इस तरह से कुछ चलेगा, ठीक है. और ये चीज आपको कैसे पता लगती है कि ये काफी होंगे जिसका मीन एस्टिमेट कर रहे हैं और जो कोवेरियंस है. सो वी नो दैट द गॉसियन रैंडम वेरिएबल कैन बी इज रादर फुली कैरेक्टराइज्ड बाय द फर्स्ट टू मोमेंट्स, ठीक है, दैट इज मीन एंड द वेरिएंस. एंड जो आपके पास पास्ट इनपुट्स होंगी दे आर सब्ज्यूम्ड इन द कंडीशनिंग, ठीक है, और सिर्फ आपको जो करंट टाइम है उसकी मेजरमेंट्स नजर आ रही होंगी, बट जो हम फॉर्मुलेशन देखेंगे उसमें देखेंगे कि आपकी जितनी भी पास्ट की जो मेजरमेंट्स हैं वो भी आपकी अल्टीमेटली अफेक्ट कर रही होंगी आपकी जो भी फ्यूचर की प्रेडिक्शन है या एस्टिमेशन है उस चीज को भी, ठीक है. सो इससे पहले अपने प्रीवियस चैप्टर में ये दो इक्वेशन देखे होंगे, जो आपके पास एस्टिमेट है और जो कोवेरियंस का एस्टिमेट है, दे आर समथिंग लाइक दिस, ठीक है. नाउ वहां पे आपने मैं भी इन्हें कोवेरियंस मैट्रिसेस के फॉर्म में ना देखा हो, रादर इंडिविजुअल वेरिएंसेस एज अ स्केलर क्वांटिटी आपने देखा होगा, ठीक है जी. अच्छा, अब जो प्रायर इस केस में प्रायर एक्सपेक्टेशन है वो क्या है, वो आपके पास है इस केस में स्टैटिक केस के मुकाबले में. Prior to the availability of the measurements at time k plus 1 in dynamic case, ठीक है जी. और posterior जो आपके पास conditional expectation होगी, ये posterior हो जाती है to obtain the measurement at time k plus 1. That is, आपके पास data जो होता है, वो up till k plus 1 इस case में होता है. So this is जो आपके पास जो variable है जो आप estimate कर रहे हैं इस case में x of k plus 1. अच्छा, एक और चीज इसमें मैं भी आप कंफ्यूज हूँ कि जब आप कालमान फिल्टर को डिफरेंट जगहों पे लिटरेचर में देखेंगे तो यू विल सी सम किसी जगह पे ये आपके पास लिखा होगा जी x ऑफ k गिवन k, ठीक है, x ऑफ k गिवन k देन इज मैप टू और अदर, वो तो हाँ जी ये वाली चीज है x ऑफ k गिवन k, और आगे लिखा होगा इस एरो के आगे x ऑफ k प्लस 1 गिवन k प्लस 1, ठीक है, इस इक्वेशन की तरह की बात कर रहा हूँ, ठीक है. यहाँ पे जैसे x is being mapped at x के लिए k plus 1, तो बाज जगहों में लिखा होगा x of k given k is being mapped to x of k plus 1 given k plus 1, और एक और चीज भी लिखी जा सकती है कि x of k minus 1, ये वाला जो x है x of k minus 1 given k minus 1 is being mapped at
एक्स ऑफ के गिवन के, बात वही है, करने के दो डिफरेंट स्टाइल हैं, ठीक है। ये जब आप अपने पास लिखेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉपर समझ आएगी, दैट एक्स ऑफ के गिवन के बीइंग मैप्ड एट एक्स ऑफ के प्लस वन गिवन के प्लस वन, और एक्स ऑफ के माइनस वन गिवन के माइनस वन बीइंग मैप्ड एट एक्स ऑफ के गिवन के, ठीक है जी। आप के प्लस वन को एक केस में देख रहे हैं और एक केस में आप के को कह रहे हैं जी करंट टाइम पे आप, सो इट इज द सेम थिंग, सिर्फ अगर आप इसे कोडिंग वाइज देखें तो सिर्फ आप एक साइकिल को ऊपर नीचे कर रहे होंगे, वो कोडिंग साइकिल हम देख लेंगे बाद में। अच्छा, और आपके पास जो प्रेडिक्टेड स्टेट होगी वो आपके पास इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये इक्वेशन लिखी थी। अच्छा, और ये बेस्ड ऑन, इट विल बी बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द मेजरमेंट एट z ऑफ k प्लस 1 वेयर इट हैज द प्रायर मीन और द प्रेडिक्टेड मेजरमेंट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है जी। सो इसका जो प्रायर होगा इट इज गोइंग टू बी द प्रेडिक्टेड मेजरमेंट व्हिच इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। और अपडेटेड स्टेट जो होगी वो आप then find out कर सकते हैं using this name, ठीक है। So again ये notations में confuse मत हों, k plus one यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, you will see जब specially आप इसे समझ जाएंगे जब हम code कर रहे होंगे इस चीज को, ठीक है जी। So यहाँ पे भी इसने कुछ चीज clarification उसने किए थोड़ी बहुत, कहता है कि so सिंगल आर्गुमेंट विद टू आर्गुमेंट्स यहाँ पे उसने यूज किए हैं, ठीक है। सिंगल आर्गुमेंट नोटेशन विद आवर बार फॉर द वन स्टेप प्रेडिक्टेड वैल्यू एंड हेड फॉर अपडेटेड वैल्यू। सो ये जो आवर बार है यहाँ पे ये चीज, ये आपके पास वन स्टेप प्रेडिक्टेड वैल्यू और हेड आपके पास अपडेटेड वैल्यू या एस्टिमेटेड वैल्यू है, ठीक है जी। और ये जो आपके पास इसके जनरली ये जो आगे ब्रैकेट में के प्लस वन या के लिखा हुआ है, ये आप सबस्क्रिप्ट में भी लिखा हुआ लिखेंगे, ठीक है। और ये आपको जस्ट टाइम इंडेसेस बता रहा होगा कि क्या चीज है, ठीक है। सो लिटरेचर में आप देखेंगे यू आर गोइंग टू सी अ नंबर ऑफ क्या कहते हैं ना नोटेशन के तरीके आप डिफरेंट देखेंगे, ठीक है जी। सो उस चीज में कंफ्यूज मत हो। अच्छा, अब बात करते हैं कोवेरियंसेस की। सो कोवेरियंसेस आप इस केस में देखेंगे एल्गोरिथम में तीन किस्म की होंगी, ठीक है। एक आपके पास पी एक्स एक्स, दिस इज द स्टेट प्रेडिक्शन कोवेरियंस, प्रेडिक्टेड स्टेट कोवेरियंस भी आप इसे, ठीक है। सो प्रेडिक्टेड स्टेट कोवेरियंस आपके पास ये चीज आ गई। देन वी हैव अनदर कोवेरियंस जो आपके पास मेजरमेंट प्रेडिक्शन कोवेरियंस आएगी व्हिच इज दिस थिंग, ठीक है। जनरली इसे हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये आपका जनरली डिनोट हुआ होता है पी बार, यहाँ पे इसने यूज किया, कहीं पे पी बार नहीं होगा, रेदर पी ऑफ के गिवन के माइनस वन होगा या p of k plus 1 given k होगा, ठीक है। इट इज द सेम थिंग, जैसे यहाँ पे p of k plus 1 given k, और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको नोटेशन की बात बताई थी रिस्पेक्ट टू k माइनस 1, तो उस केस में ये क्या होगा p of k given k माइनस 1, यहाँ पे k माइनस 1 होगा और यहाँ पे k हो जाएगा, ठीक है। ये दे आर वन एंड द सेम थिंग, तो ये इसकी प्रेडिक्शन स्टेट की कोवेरियंस होगी, प्रेडिक्टेड स्टेट की कोवेरियंस, ठीक है। जब आप प्रेडिक्शन करेंगे कि जो अभी हम देखेंगे बाद में एक एग्जांपल में क्या चीज होगी, देन दिस एस इज आल्सो नोन एज द इनोवेशन कोवेरियंस मैट्रिक्स, ठीक है। ये डेफिनेटली आपकी किस चीज के साथ डील कर रही है, ये आपकी मेजरमेंट के साथ डील कर रही है, बट डायरेक्टली मेजरमेंट की कोवेरियंस नहीं है, मेजरमेंट की जो कोवेरियंस है दैट इज आर, ठीक है। मेजरमेंट कोवेरियंस मैट्रिक्स इज आर, जो हमने फर्स्ट स्लाइड पे जब आप देख रहे थे उसमें ये चीज आई। So, ये कालमन फिल्टर के एल्गोरिथम में ये चीज आपके पास आएगी, मेजरमेंट प्रेडिक्शन कोवेरियंस।
ठीक है. एंड द थर्ड थिंग इज कोवेरियंस बिटवीन वेरिएबल टू बी एस्टिमेटेड, दैट इज द स्टेट एंड द ऑब्जर्वेशन मैट्रिक्स एंड द ऑब्जर्वेशन एंड द मेजरमेंट्स जी के, व्हिच इज डिनोटेड बाय दिस थिंग. ठीक है. सो जो आपके पास पोस्टीरियर कोवेरियंस होगी स्टेट की, ठीक है, अपडेटेड स्टेट कोवेरियंस, वो आपके पास ये चीज होगी. ठीक है जी. ये कहने चौथी किस्म की है जो आप यूज कर रहे होंगे एज अ स्टेट स्टेट एस्टिमेटेड स्टेट कोवेरियंस. सो दिस इज द एस्टिमेटेड स्टेट कोवेरियंस, दिस इज द प्रेडिक्टेड स्टेट कोवेरियंस. ठीक है. और दिस वन हेयर नाइन्थ इक्वेशन, ये आपके पास मेजरमेंट प्रेडिक्शन कोवेरियंस या इनोवेशन कोवेरियंस से कहते हैं. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द कोवेरियंसेस दैट वी विल बी डीलिंग विद. यू शुड नो के कौन सी कोवेरियंस कहाँ पे किया, उसका मतलब क्या है. यानी ये जो इक्वेशंस हैं ये आपको उस चीज का मतलब बता रही है. ठीक है. सो देन देयर इज अनदर थिंग नोन एज द फिल्टर गेन. ठीक है. कालमान के केस में से कालमान गेन भी कहते हैं, कालमान फिल्टर गेन भी कहते हैं. यहाँ पे ये W से डिनोट हुआ है, अगेन कहीं पे ये K से भी डिनोट हुआ आप देखेंगे. ठीक है. दिस वन ये आप कहीं पे K से भी डिनोट हुआ देखेंगे. सो इट इज एक्चुअली दिस थिंग. ठीक है. विच इज योर, ये प्रीवियस स्लाइड पे आपने देखा था. ठीक है. जो थर्ड आपकी कोवेरियंस थी और दिस द इनोवेशन कोवेरियंस इनवर्स. ठीक है जी. सो दिस इज द थिंग. अब इसे गेन क्यों कहते हैं, गेन इसलिए कहते हैं, एक तो ये है कि ये बेसिकली आपका ये जो गेन है ये कंट्रोल कर रहा होता है एस्टिमेटर की परफॉर्मेंस को. ठीक है. सो और दूसरी चीज ये है कि आप जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं बाय दिस गेन. ठीक है. अकॉर्डिंगली वेटेज आपकी डिसाइड होती है. ठीक है जी. वेटेज आपकी डिसाइड होती है कि मेजरमेंट को ज्यादा देनी है या एस्टिमेट को ज्यादा देनी है, डिपेंडिंग ऑन द difference between the measurement and the estimated state. ठीक है. दिस कालमान गेन ये आपका बताता है कि यार आपने वेटेज किसको कितनी देनी है. ठीक है जी. सो पहले हम देखते हैं कि इसका जो prediction का portion है इस algorithm का, दो equations होंगी इसमें, एक state prediction और एक state की covariance prediction. ये दो equations पहली होंगी. So, जो आपके पास प्रिडिक्टेड स्टेट है पहले उसका उसकी बात करते हैं. ठीक है. सो स्टेट इक्वेशन जो आपने स्टार्ट में देखी थी, फर्स्ट जो इक्वेशन थी आपकी, उस पे आप कंडीशनल एक्सपेक्टेशन जब लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू जी, सो यू गेट दिस थिंग. अब यहाँ पे हमें पता है एफ और जी ये नोन है, कॉन्स्टेंट्स है, दे डोंट मैटर. X is the state and UK is the input. Or VK is your zero mean Gaussian noise, which is also known as the plant or the process noise. ठीक है. So ये हमने already कह दिया, ये zero mean है. ठीक है. So इसकी जब expectation लेंगे इसकी, तो you are going to get this thing. ठीक है. यहाँ पे आपका V गायब हो गया. V इधर क्यों गायब हुआ जी? V इसलिए गायब हुआ कि V आपके पास zero mean था. So expectation जब आप zero mean variable की लेंगे, that is going to be zero. और बाकी जो आपकी expected value of x of k, this is the estimate actually x hat. ठीक है. तो यहाँ पे x hat बन गया. और u k भी आपके पास generally known होता है, तो ये u k as it is आ गया. So इस equation को जब आप subtract करेंगे from the first equation that we saw, तो then you are going to get this thing. ठीक है जी. और this is basically what ये आपके पास स्टेट प्रेडिक्शन इक्वेशन है. ठीक है. वेयर एफ इज द स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स भी आप इसे कहते हैं. ठीक है. सो एफ इनटू एक्स डेल्टा प्लस वी के, वी इज द प्रोसेस नॉइज. ठीक है. सो यू वाला पार्ट आपका कैंसिल आउट हो गया, उसका कोई खास इसमें इफेक्ट भी नहीं है एस्टिमेशन एरर के को कंट्रोल करने में, अगर यू नोन हो तो. देन आप और जो ये आपके पास आ गई पहली चीज, ये वाली. ठीक है. ये आपके पास पहली चीज आ गई जो स्टेट की प्रेडिक्शन है. ठीक है. सॉरी, दिस इज अ स्टेट प्रेडिक्शन एरर. ठीक है. ये आपके पास स्टेट प्रेडिक्शन एरर आ गया. और देन
स्टेट प्रोडक्शन कोवेरियंस क्या आ गई, स्टेट प्रोडक्शन कोवेरियंस क्या, ये चीज होगी आपके पास, ठीक है। एक्स डेल्टा इनटू एक्स डेल्टा ट्रांसपोज गिवन कंडीशनड ऑन ऑल द मेजरमेंट्स, सो इट इज इक्वल टू दिस थिंग व्हिच इज इजी इफ यू डू इट फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है। इजीली आपको ये चीज आपके पास आ जाती है और इसे आप राइट कर सकते हैं एज दिस थिंग, ठीक है, एफ पी एफ क्यू के। सो दिस इज व्हाट आर दीज थिंग्स, ये जो एफ आपके पास होगा ये जनरली लेट्स से ये फॉर ऑल द टाइम्स दिस इज द सेम थिंग, इट इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट थिंग एफ, ठीक है। ये स्टेट ट्रांजिशन है, इसमें चेंज नहीं होगी। जो आपके पास अगर हम बात करें कि आपके पास जो टाइम है डेफिनेटली सम जो टाइम इंटरवल होगा इट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड, ठीक है। सो एनी हाउ, और ये आपके पास क्या थी, पिछले जो टाइम पे एस्टिमेटेड कोवेरियंस थी वो है, और क्यू के इज द प्रोसेस नॉइस कोवेरियंस मैट्रिक्स, सो दिस इज योर प्रेडिक्टेड कोवेरियंस, ठीक है जी। देन द प्रेडिक्टेड मेजरमेंट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड यूजिंग द फॉलोइंग थिंग, ठीक है, यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। नाउ दिस थिंग बिकम्स, क्योंकि आपके पास ये जो ये इक्वेशन भी हमने देखी थी, इक्वेशन सिक्स, ठीक है, स्टार्ट में देखी थी, सो इट वॉज जी के इज इक्वल टू एच एक्स प्लस डब्ल्यू, ठीक है। सो आपके पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आई of z k plus 1, that is the measurement at this time given all the previous measurements, that is equal to this thing, ठीक है, expected value of this thing, and then क्योंकि आपके पास ये जो measurement ना है w, ये भी zero mean है और white है, तो आपके पास ये चीज आपके पास simply जो predicted measurement है वो ये चीज आ जाती है, h x आ जाती है, ठीक है, where x is ये x hat k plus 1 given किया है, यानी आपने ये जो अभी करंट टाइम पे जो प्रिडिक्ट की है प्रिडिक्टेड स्टेट थी ये वहां से आई, ये चीज एक्स के प्लस वन गिवन के है, नॉट एक्स के गिवन के, ठीक है, एंड एच के प्लस वन, सो दिस एच इज आल्सो जनरली कांस्टेंट, इट डजंट मैटर ये एच ऑफ के है या एच ऑफ के प्लस वन है, इन केस ऑफ लीनियर प्रॉब्लम दिस थिंग यहाँ पे एच ऑफ के और एच ऑफ के प्लस वन इट इज जनरली जहां तक मेरा नॉलेज है ये जनरली कॉन्स्टेंट ही होती है, ठीक है। सो जनरली हमें से एच ऑफ के प्लस वन या एच ऑफ के माइनस वन ही रदर एच ऑफ के ही लिखा रहने देते हैं क्योंकि दैट इट इज कांस्टेंट ओवर ऑल ऑल दोस टाइम इंस्टेंसेस। सो जब आप इस इक्वेशन इस सेवंथ इक्वेशन को सबट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है, ये आप देख सकते हैं थर्ड इक्वेशन थी स्टार्ट से व्हिच वाज एक्चुअली दिस इक्वेशन, और ये आपके पास क्या चीज है, ये आपके पास अगर इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेजरमेंट प्रोडिक्शन एरर आपके पास आ जाएगी, ठीक है जी, मेजरमेंट प्रोडिक्शन एरर आ गई विच इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है, एंड देन मेजरमेंट प्रोडिक्शन कोवेरियंस जो हमने कहा था इनोवेशन कोवेरियंस भी इसे कहते हैं, वो आपके पास इस चीज के इक्वल आ जाएगी, ठीक है, वो आपके पास इस चीज के इक्वल आ जाएगी। फिर आर आर आपके पास क्या, आर भी अगेन बास केसेस में ये चेंज होता है बट जनरली जो हम सिंपल प्रॉब्लम्स देखेंगे उसमें ये चेंज नहीं हो रहा होगा, ये आर आपके पास मेजरमेंट, ये जो आर है ये आपके पास मेजरमेंट कोवेरियंस मैट्रिक्स है, यानी जो मेजरमेंट्स आप ले रहे हैं उनकी क्या वेरियंसेस हैं कोवेरियंसेस हैं एंड सो ऑन, मेजरमेंट डिपेंडेंट है, सो जो आपके पास इनोवेशन कोवेरियंस है इट इज इक्वल टू दिस थिंग एच पी एच ट्रांसपोज आर, ठीक है जी। एंड देन यू कैन आल्सो डिराइव इट अकॉर्डिंगली, ठीक है, ये चीज भी आप देख सकते हैं, और जो फिल्टर गेन होगा आपके पास देन फॉलो दीज डेरिवेशंस एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस थिंग, ठीक है, ये हमने पहले भी देखा था इनोवेशन कोवेरियंस है और ये आपको पता है क्या चीज है, ये आपके पास जो भी प्रिडिक्टेड स्टेट की कोवेरियंस है वो आ गई पी के प्लस वन गिवन के,
और एच यू नो द मेजरमेंट मैट्रिक्स, ठीक है जी। और ये एच जो है ये काइंड ऑफ मैपिंग के लिए यूज होता है, स्टेट और मेजरमेंट की जो डायमेंशन है लाजमी नहीं है सेम हो। प्रीवियस जो हमने चैप्टर किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि लेट्स है आप टारगेट की पोजीशन अगर मेजर कर रहे हैं, ठीक है, मेजर आप पोजीशन कर रहे हैं लेकिन स्टेट में मैं भी आपके पास पोजीशन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन तीनों, ठीक है, मैं भी आप टारगेट की लेट्स है एक्स एक्सिस के अलोंग पोजीशन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन मेजर कर रहे हैं, ये आपके मेजरमेंट है एक्स लेट्स है एक्स एक्सिस के अलोंग पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। लेकिन स्टेट वेक्टर आपके पास, सॉरी ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, मे बी जो आप मेयर कर रहे हैं, दैट इज ओनली द पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज नॉट द स्टेट, ठीक है, दिस इज द पोजीशन अलोंग, जैसे मैं एक्स पी कह देता हूँ, दिस इज अ पोजीशन अलोंग द एक्स एक्सिस, सो दिस इज ऑल्सो एक्स पी, दिस इज वी एंड दिस इज ए, सो ये आपकी स्टेट हो सकती है और ये आपकी मेजरमेंट हो सकती है। सो ये जो एच है ये बेसिकली मैपिंग के लिए यूज होता है, ये जो एस है ये हमें पता है ये क्या चीज है, ये आपकी मेजरमेंट कोवेरियंस मैट्रिक्स है, इनोवेशन कोवेरियंस है, ठीक है, सो रिलेटेड टू दिस थिंग। और स्टेट जो प्रेडिक्टेड कोवेरियंस है ये आपकी रिलेटेड होगी इससे। अब डायमेंशन इनकी मिसमैच है, यू डेफिनेटली नीड टू मैप दिस टू दिस, ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास ये एच एंड डी आता है, ठीक है, एच यूज होता है। सो देन द अपडेटेड स्टेट एस्टिमेट जो हमारा फाइनल गोल है दैट कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है, वेयर एक्स के गिवन के और एक्स के प्लस वन गिवन के प्लस वन। अच्छा जी, सो अब आपके पास जो एस्टिमेट का मेन इसका जो थीम होगा फॉर करंट टाइम, ठीक है, जो भी आपके पास करंट टाइम है, ठीक है, जनरली जो हम नोटेशन अपने कोड में यूज करेंगे जब प्रैक्टिकली से इंप्लीमेंट करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी द करंट टाइम, जो एस्टिमेट होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द प्रेडिक्टेड स्टेट, ठीक है, जो प्रेडिक्शन हमने लास्ट स्लाइड पे देखी, प्रेडिक्टेड स्टेट प्लस द गेन इन टू द रेजिड्यूल, ठीक है, डब्ल्यू इज द गेन एंड दिस इज द रेजिड्यूल, रेजिड्यूल इज सिंपली the difference between the predicted measurement and the actual measurement at the current scan. Predicted measurement आपकी कहाँ से आएगी, ये आपकी आप इसे लिख सकते हैं एच एक्स इन अवर लीनियर केस, ठीक है, एच ऑफ के प्लस वन, यहाँ पे नोटेशन यूज हो रही है, जल्दी आपको मैंने कहा कि हम ये कॉन्स्टेंट ही होगा, सो इट डजंट मैटर, एच ऑफ के प्लस वन इन टू द predicted state, ठीक है, k plus 1 h into x of k plus 1 given k, जो आपके पास predicted state होगी वहां से ये आएगा, ये वाली जो आपकी term, ठीक है, और ये आपका जो भी sensor की measurement है ये वो होगी, ठीक है, so this is the residual, residual को आप weightage देंगे यहाँ पे gain से और add करेंगे अपनी predicted value में, this is going to give you the estimate। अब last चीज रह गई, last चीज है आपके पास जो भी आप कोवेरियंस एस्टिमेट करेंगे इस स्टेट की, ठीक है, वो सो आपके पास जो अपडेटेड कोवेरियंस होगी या एस्टिमेटेड कोवेरियंस होगी दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है, और जनरली जो फॉर्म हम यूज करेंगे विल कम टू दैट, रादर जनरली हम यही यूज करते हैं, ठीक है, where I is the identity matrix, W is the gain, W or K sometimes it is the gain, H is the, you know, the measurement matrix and this is the predicted covariance at the current scan. So generally हम ये form use करेंगे but symmetric form इसकी कुछ ये भी आप use कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा इसमें आप ये चीज नोट करें कि आपकी जो इक्वेशन 12 है ये जो पिछले उस पे थी, पिछली स्लाइड पे,
स्टेट अपडेट जो इक्वेशन थी, और जो हमने चैप्टर 3 में की थी ली स्क्वेयर्स की जो इक्वेशन थी आपके रिकर्सिव, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर वहां से जाके देख लें, ये मिलती जुलती हैं। फर्क सिर्फ इतना है इन दोनों केसेस में कि ली स्क्वेयर्स के केस में जो आपके पास चीज थी वो ये था कि पैरामीटर आपका कांस्टेंट था, वो जो स्टेट थी जो एस्टिमेट आप कर रहे थे वो एक कांस्टेंट चीज थी, यहाँ पे वो कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे वो इवॉल्व कर रही है, डायनामिक है, ठीक है। मे बी एक्स एक्स इज द पोजीशन, जैसे अभी मैंने आपको बताया पोजीशन है और कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, ठीक है। टारगेट आपका मूव कर रहा है और ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज जनरली द ओवरव्यू ऑफ द कालमान फिल्टर। देन आगे जाके हम देखते हैं, ऐसे एक डायग्राम में आगे आपको जाके मैं ये बता दूंगा जो पिछली स्लाइड पे चीज थी, ज्यादा एक्यूरेटली आपको पता लग जाएगा एल्गोरिथम की फॉर्म में, बट स्लाइड पिछली वाली आपको आपने देखनी है खुद। अच्छा, समरी जो भी आपके पास कालमान फिल्टर के केस में स्टैटिस्टिकल अजम्पशंस है उसमें हम देख लेते हैं। जो इनिशियल स्टेट है उसमें नॉन मीन और कोवेरियंस एक आपने अज्यूम करना है कि एक्स जीरो गिवन जीरो और पी जीरो गिवन जीरो, जो इनिशियल स्टार्ट में आपने जो अजम्पशन करनी है ये आपको पता होगा कि यार ये ठीक है, ये नॉन है, ठीक है। एक एजुकेटेड गैस समटाइम्स और समटाइम्स प्रैक्टिकली आप उसे कुछ आसपास रख लेते हैं। मैं भी अगर आपके पास रडार की रेंज का आपको पता है, ठीक है, तो जैसे ही वो कोई भी टारगेट एंटर होगा तो मैं भी यू कैन से के लेट्स से ये रेंज है और देन इफ दिस इज द रेंज सो मैं भी उसके आसपास ही कहीं वो चीज होगी, ठीक है। लेट्स से 100 किलोमीटर रेंज है तो यू नो के उसकी जो रेंज है इट इज 100 किलोमीटर, सो अकॉर्डिंगली आप अपनी जो स्टेट है वो एडजस्ट उसकी वैल्यू रख लेते हैं। एंड सेम गोज फॉर दिस थिंग, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इनका गेस कर सकते हैं, कैसे इनकी वैल्यूज आप रखेंगे x 0 गिवन 0 और p 0 गिवन 0। और प्रोसेस और मेजरमेंट नॉइज के बारे में ये है कि जो आपके पास प्रोसेस नॉइज है जीरो मीन है और कोवेरियंस ये है इसकी, ठीक है। और अगेन जो आपके पास इस डेल डेल्टा फंक्शन का यहाँ पे क्या मकसद है, इसका मकसद सिर्फ ये है कि ये वाइट है, ठीक है। और जब वाइट होगी दैट मींस के आपका एक टाइम से दूसरे टाइम पे उसमें कोई रिलेशन नहीं होगा आपस में, ठीक है। सो देन अगेन मेजरमेंट नॉइज भी आपके पास जीरो मीन होगी और इसकी जो कोवेरियंस मैट्रिक्स होगी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, ठीक है जी। और ऑल ऑफ दीज थिंग्स मेंशनड अबव आर म्यूचुअली अनकोरिलेटेड, ठीक है, फॉर ऑल के जो आपके पास इनिशियल गैस है स्टेट का और जो प्रोसेस नॉइज है एंड मेजरमेंट नॉइज एज वेल, ठीक है। मेजरमेंट नॉइज एंड द स्टेट इनिशियल गैस ये भी आपके पास अनकोरिलेटेड होगा एंड प्रोसेस नॉइज और मेजरमेंट नॉइज भी आपके पास, ये इक्वल का सिंबल है, ठीक है, ये भी आपके पास अनकोरिलेटेड होंगी। सो अगेन conditional mean of this thing is going to be zero, ठीक है, because of this whiteness, ठीक है, और same goes for the measurement noise, ठीक है जी। और ये बात हमने पहले भी कर ली है कि ये matrices हमें known होंगी, ठीक है, tracking के case में ये G matrix आपके पास नहीं होगी, ठीक है, एफ एच ये मैट्रिसेस होंगी। ओके, टू समराइज द कालमान एल्गोरिथम, दो पार्ट्स हैं, एक इसका प्रेडिक्शन पार्ट है एक इसका एस्टिमेट पार्ट है, ठीक है। अभी मैंने जो आपको पहले बात की थी जो के प्लस वन वाली, जो के प्लस वन गिवन के प्लस वन वाली चीज यूज कर रहा था, ठीक है, इट इज सेम एज दिस वन, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सो टोटल आपके पास ये सेट ऑफ इक्वेशंस है वेयर जनरली ये होता है कि समटाइम्स आप देखेंगे ये जो इनोवेशन कोवेरियंस वाली जो चीज है
ये गेन के अंदर ही यहाँ पे इसने एज इट इज लिखी होती है, तो इन दैट केस एक इक्वेशन आपकी कम हो जाएगी। सो ये यूज यहीं पे होती है। सो इस साइकिल में आप प्रिडिक्ट और एस्टिमेट करते हैं। कालमान फिल्टर एल्गोरिथम कुछ इस तरह से है, दिस इज द प्रिडिक्शन साइकिल, ठीक है, ये और प्रिडिक्टेड वैल्यू, लेट से टारगेट आपका, हमसे अज्यूम करते हैं कि इस केस में एक्स एक्सिस को हम देख रहे हैं, ठीक है जी, तो स्टेट आपकी खाली एक्स एक्सिस का बता रही है, पोजीशन और वेलोसिटी दो, इसकी डायमेंशन 2x1 है, ये एक वेक्टर होगा। एफ आपके पास, सो एफ के लिए हमारे पास डिफरेंट चॉइसेस होती हैं डिपेंडिंग ऑन के, अगर हम मोशन की बात करें तो मोशन मॉडल क्या है, क्या आपका जो टारगेट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, डेफिनेटली कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा होगा, बट जो आपके पास उसकी इसमें जो थोड़ी बहुत जो भी एसिलेशन होंगी, इफ द एसिलेशन आर नॉट दैट मच सिग्निफिकेंट, तो देन इट दे कैन बी मॉडल्ड यूजिंग दिस दिस प्रोसेस नॉइज या प्लांट नॉइज, ठीक है जी। सो इन दैट केस इसमें जो आपके पास इस करंट सिनेरियो में आपके पास जो स्टेट है, स्टेट वेक्टर है, उसमें एक तो आपके पास पोजीशन आ गई एक्स एक्सिस के अक्रॉस और एक वेलोसिटी आ गई, ठीक है, पी एक्स एंड वी एक्स से कह देते हैं। सो ये आपके पास स्टेट है, और एफ आपके पास क्या होगा देन इन, और मेयरमेंट लेट से आप क्या ले रहे हैं, मेयरमेंट जी इज इक्वल टू पोजीशन अलोंग द एक्स एक्सिस पी एक्स, ठीक है जी। सो इन दिस केस अब ये क्या मॉडल कर रहा है, के गिवन के माइनस मींस कि करंट टाइम पे उसकी क्या वैल्यू है, गिवन सम इंफॉर्मेशन ऑन द प्रीवियस टाइम के माइनस वन, ठीक है, के प्लस वन वाली एनालॉजी में ये होगा के प्लस वन गिवन के, बट वी आर गोइंग टू स्टिक विद दिस थिंग, इट डजेंट मैटर व्हाट यू व्हाट व्हाट काइंड ऑफ आप जो भी सिंबलिज्म यूज करें ऐसे मैटर ये नहीं करेगा, ब्रैकेट्स में लिखें या जिस तरह यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है वैसे लिखें, नोटेशन से इससे फर्क नहीं पड़ेगा, नोटेशन जरा ज्यादा आप कह लें अंडरस्टैंडेबल है जो करंट ये वाली है स्लाइड पर। सो स्टेट एट करंट टाइम गिवन द प्रीवियस टाइम इज सिंपली एफ इनटू एक्स दिस वन, सो ये क्या होगी, डेफिनेटली ये भी पोजीशन और वेलोसिटी होगी, ठीक है जी, लेकिन पिछले टाइम पे, करंट टाइम पे आपके पास पोजीशन क्या होगी, गिवन यू नो द पोजीशन एंड वेलोसिटी, गिवन यू नो द पोजीशन एंड वेलोसिटी एट द प्रीवियस स्कैन स्कैन, सो प्रीवियस स्कैन पे ये वाली जो चीज है ये एस्टिमेट होगी, ठीक है। सो एफ इन दिस केस आपके पास क्या होगा, एफ इज इन दिस केस हम क्योंकि पोजीशन और वेलोसिटी देख रहे हैं और लेट्स अज्यूम कांस्टेंट वेलोसिटी आपका मॉडल फॉलो हो रहा है, देन एफ इज गोइंग टू बी वन टी, टी इज योर सैम्पलिंग टाइम और 0 एंड 1, ठीक है, ये जब आप एवेल्युएट करेंगे इस एफ को मल्टीप्लाई करें जरा इस चीज से, इस वेक्टर से, यू आर गोइंग टू गेट द करंट टाइम्स पोजिशन एंड वेलोसिटी, ठीक है जी। सो प्रीवियस टाइम पे अगर उसकी पोजिशन थी 10, ठीक है, टाइम लेट से सैम्पलिंग टाइम 1 सेकेंड है और वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड है, सो ये इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है और कोई चीज नहीं है, ठीक है जी। और देन दिस इज द प्रिडिक्टेड कोवेरियंस, एफ वही चीज है, ये पी आपके पास पिछले टाइम पे जो भी एस्टिमेटेड कोवेरियंस होगी स्टेट की वो है, और क्यू इज द प्रोसेस नॉइज कोवेरियंस, ये इसके बारे में भी बाद में जब हम सिमुलेशन करेंगे उसमें डिटेल में बात करेंगे कि ये क्या चीज होगी कैसे होगी। अच्छा ये आपका प्रिडिक्शन साइकिल है, ये दो इक्वेशंस जब आप ये एवेल्युएट कर लेते हैं, ठीक है, जब आप इसकी जो भी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो प्रिडिक्शन आपके पास आ जाएगी, प्रिडिक्शन पहले कर लें और उसके बाद एस्टिमेशन कर लें, ठीक है, साइकिल ये सेम, पहले ये हो जाएगा फिर ये हो जाएगा, एक इक्वेशन ऊपर आ जाएंगी एक नीचे, आप ये उल्टा भी कर सकते हैं कि एस्टिमेशन पहले प्रिडिक्शन बाद में, ठीक है, ये चीज आप बाद में समझ जाएंगे कि कैसे। सो दिस इज द इनोवेशन कोवेरियंस मैट्रिक्स एस के, एच इज द, सो इस केस में एच क्या होगा ये भी बात कर लेंगे, सो एच पी, एच वी नो पी, पी आपके पास
ये जो इस दफा जो आपने प्रिडिक्ट किया कोवेरियंस स्टेट कोवेरियंस वो आ गई, आर इज द मेयरमेंट कोवेरियंस मैट्रिक्स। सो हम मेयर क्या कर रहे हैं, सिर्फ पोजीशन कर रहे हैं, जो आपके पास जी है इट इज ओनली द पोजीशन। सो मैं भी जो पोजीशन है उसकी जो एक सिंगल वैल्यू है ये एक पोजीशन हम मेयर कर रहे हैं। सो इसमें जो वेरियंस है लट से वो 5 आपके पास मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है, ठीक है 5 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर वेरियंस आ रही है इसकी। सो इस केस में ये 5 होगी, ठीक है सिंपल। ये जो भी सेंसर की एक्यूरेसी है वो आपने मॉडल की। सो आर इस केस में क्योंकि स्केलर है ये वैल्यू एक सिंगल है तो इस केस में स्केलर होगी, अदरवाइज डायगोनल पे वैल्यूज पड़ी होंगी इसकी जनरली अगर वो अनकोरिलेटेड है। जनरली अनकोरिलेटेड ही हम अज्यूम कर रहे होते हैं दूसरे। सो आर इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, दिस आर इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। देन के इज योर गेन, अगेन कहीं पे W यूजर होगा कहीं पे K यूजर होगा। सो जब हम कोड वगैरह करेंगे हम जनरली K ही लिखेंगे, ठीक है कालमान गेन, और वी नो दिस एंड वी नो दिस, ठीक है। सो एच यहाँ पे जाके मैं आपको बताता हूँ क्या चीज होगी। सो X, सो द फाइनल जो आउटपुट है आपकी इस एल्गोरिथम की वो ये दो चीजें हैं, ठीक है। सो जो आपके पास एस्टिमेट होगा वो क्या होगा जी, एस्टिमेट इज द प्रिडिक्शन प्लस कालमान गेन इनटू द रेसिडुअल, दिस द रेसिडुअल वेयर जी के इज द मेजरमेंट। इस केस में मेजरमेंट खाली पोजीशन है, सो करंट टाइम पे जो भी पोजीशन आपके सेंसर ने दी वो होगी। एक्स आपके पास प्रिडिक्टेड स्टेट है और एच आपके पास वो जो भी मॉडल का रहा आपका मेजरमेंट और स्टेट को वो चीज होगी, ठीक है जी। नाउ अब आपके पास क्या चीज है, ये जो एच होगी इस केस में H is going to be equal to this thing. One, it is going to be a row vector in this case, और ये 1 0 के equal होगा, ठीक है? State आपको मैंने बता दी है, ये चीज होगी 1 0 को जब इससे multiply करेंगे तो इसका जो result आएगा खाली position आएगी, ठीक है H X का। So Z is a position, इसका result भी एक position आया। So position minus position gives you a position, ठीक है जी? Accordingly बात हमने की थी कालमान गेन के मुताबिक के कालमान गेन इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा रेसिडुअल से, यू गेट द और ये चीज ऐड अप हो रही होगी प्रेडिक्शन में, यू गेट दिस एंड दिस द एस्टिमेट, ठीक है। आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसकी जो डायमेंशन होगी वो इसकी डायमेंशन के इक्वल होगी, ठीक है। और देन दिस इज द प्रेडिक्टेड वेरियंस, प्रेडिक्टेड स्टेट वेरियंस। नाउ इस केस में आपको पता लग गया डिफरेंट मैट्रिसेस डिफरेंट वेक्टर्स की क्या डायमेंशंस हैं। व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू फॉर दिस केस इज लेबल करें इन सारी मैट्रिसेस की डायमेंशंस को, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बट अ वेरी प्रैक्टिकल वे टू डील विद एनी आप क्या कह सकते हैं उसे के इस एल्गोरिथम को समझने में इसकी डायमेंशंस का बड़ा रोल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो प्रेडिक्टेड स्टेट है दिस इज 2x1, ये चीज है 2x1 वेक्टर है। सो ये 2x1 है और ये भी 2x1 होगी, देन स्टेट ही है, ठीक है। और देन ये क्योंकि फाइनल 2x1 है दिस मींस ये वी के भी 2x1 होगी, तो एफ की आप अकॉर्डिंगली वो भी इनर मैट्रिक्स डायमेंशंस का ख्याल रखते हुए यू कैन सी के एफ आपके पास 2x2 होगी। यहाँ पे हमारे पास 2x2 ही है। सो अगेन यहाँ पे वी आपके पास क्योंकि 2x1 है सो क्यू आपके पास 2x2 होगी, ठीक है। इट इज अ मैट्रिक्स कोवेरियंस मैट्रिक्स, ये 2x2 है, दिस मींस कि आपके पास ये वाली जो टर्म है यहाँ पे दिस इज गोइंग टू बी 2x2। अकॉर्डिंगली यहाँ से आप देख सकते हैं एफ की डायमेंशन पी की F transpose की definitely वही होगी। So F is 2x2, this is 2x2, F transpose 2x2 होगा, this means P भी 2x2 होगा, ठीक है। या आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये क्योंकि state vector is 2x1, तो इसकी covariance 2x2 होगी, so this is 2x2। इसी तरह आप सारे इस तरह नीचे ये label करते जाएं, same इस specific problem के लिए। इंशाल्लाह next lecture में हम इसकी implementation देखेंगे in MATLAB. So I will suggest कि आप लोग MATLAB install कर लें या there is another language जो MATLAB का आपका code भी run कर सकती है।
इट इज आर, यस इट्स एन ओपन सोर्स थिंग, सो इट्स बेटर कि आपके पास मैटलैब का कोई वर्जन हो। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसके मतलब बाकी डिस्कशन होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।